फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पसंद की शादी, ये जो बयान है तारिक जमील जी का, तो इनके ऊपर आज रिएक्शन करने वाले। तारिक जमील जी के ऊपर बहुत कमेंट आते हैं कि उनके ऊपर रिएक्शन करो, रिएक्शन करो, क्योंकि बहुत बड़े इंफॉर्मेटिव और हिस्ट्री के जानकार है, बहुत बड़े और बहुत अच्छा बताते हैं। तो चलो हम, और इन्होंने बताया तो ऐसा बोर भी नहीं होता है जैसे दूसरे जो बताते हैं कुछ कुछ, और तो मुझे भी अभी सुनने में बहुत अच्छा लगने लगा है, क्योंकि ज्ञान लेना तो किसी को भी अच्छा लगता है ना, क्या सीखना, हर रोज नई सीख मिलती है कुछ भी सुनने से। और ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत से मतलब ज्ञान देते हैं, हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इस वीडियो में पसंद की शादी मतलब क्या है आपको भी जानना चाहिए, मतलब क्या बताया आपने, सजेस्ट किया ना? नहीं, मैंने खुद सिलेक्ट किया। मैंने तो कमेंट्स में देखा था पसंद की शादी पे रिएक्शन। नहीं, मैंने खुद सिलेक्ट किया, मुझे नहीं पता कमेंट, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने खुद सिलेक्ट किया। मुझे तो अच्छा है, तुम क्या दिन है? भर कुछ तो कुछ तो काम करती हो ना मैं, कुछ तो मतलब काम बहुत करती है, पर ऐसा इन्फॉर्मेशन काम नहीं करती, तो मैं बहुत काम करती हूँ। और चलो ये वीडियो भी नहीं, दिन भर तो एडिटिंग करती है, शाम को अमेज़न का काम रहता है, मुझे बहुत काम है, चलो जाओ। और अभी इधर रेंज का भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए कल वीडियो नहीं बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर, पावर ऑफ ईमान। इनका इंट्रो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, ऐसा लगा अल्लाह के पास जा। अपनी शादियां माँ बाप के हवाले करो, बेशक अल्लाह ने बच्चियों को इख्तियार दिया, इसलिए कि ये कहती है कबूल किया, आप कहते हैं कबूल किया, वालदैन नहीं कहते। लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है कि माँ बाप अपने बच्चे बच्ची की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जब सबसे बड़ी ख्वाहिश आती है तो ज़बह कर देते हैं, ऐसे ही करनी है बस, नहीं करनी तो दफा हो जाओ। ये देहातों में तो 110% यही चल रहा है, शहरों में पढ़े लिखे तबके में शायद कुछ आ गया हो, लेकिन शहरों में भी जो अक्सरियत है माँ बाप वो शादी पर अड़ जाते हैं, नहीं असी इतने नहीं करने, तो पल्ले कुछ नहीं, ये तो गरीब लोग हैं, ये तो अराई नहीं, असि तो अराई हैं, एक तो जट बट नट पता नहीं की मुसीबत बन गई। हाय 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 हाय, आखिरी वाक्य सुना के तो करा गए। देखो आपसे कहता हूँ, माँ बाप अगर जबर करें तो सह जाना, बर्दाश्त कर, कोर्ट मैरिज ना करना, उसमें बरकत नहीं होती, फितने ही फितने, दुख ही दुख। माँ बाप से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते शादी बच्चे की है, कबूल उसने करना है, जबरदस्ती ना करो। देखो अगर एक लफ्ज लड़की कहे मैंने कबूल नहीं किया तो निकाह खत्म, कबूल किया इस लफ्ज के साथ वर्डिंग है, या कुमारी बच्ची साइन कर दे तो ठीक है, लेकिन लड़के के साइन नहीं चलेंगे, वो कहेगा कबूल किया तो तब शादी होगी। हमारे गांव का बच्चा बसों में जा लगा कंडक्टर के तौर पर, क्लीनर और वो सफाई करने वाला, बसों पे जिंदगी गुजर गई, जवान हुआ, उसकी शादी होने लगी। अब उसने उस्ताद जी आण दो, उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी कट लो, ये आप कभी बसों में छोड़े हो तो आपको अंदाजा हो, आण दो आण दो आण दो, वो पीछे जब बैक कर रहे थे, जान दो जान दो जान दो, जब आगे तो उसका निकाह हो रहा। ये मैं लतीफा नहीं, सच्चा वाक्य सुना। मौलवी साहब ने कहा, हाँ भाई जैनब बिन असलम ने तेरे निकाह दिता 5,000 महर, तू कबूल किया? थोड़ी देर चुप रहना, कहना जी आण दो। उसका भाई पास बैठा था, उसने को नहीं मारी, जी जान दो। तो कबूल तो इन बच्चे बच्चियों ने करना है, माँ बाप जब ऊपर मुसल्लत होते हैं तो माँ बाप से कह रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते जुल्म न करो। मेरे नबी पाक, पहले मैं हदीस सुना दी कि जिब्रील ने कहा मेरा अल्लाह कह रहा यहाँ शादी करो, तो मौला अली रिश्ता लेकर आए फातिमा के, और आके खामोश होकर बैठ गए, शर्म की वजह से बोला नहीं गया, तो आपने कहा, और जिब्रील अली से पहले आ गए कि फातिमा अली के लिए और अली फातिमा के लिए, ठीक है। इसके बाद कोई चॉइस है?
तो आपने पूछा अली कैसे आए, वो चुप हो गए, तो आपने कहा फातिमा के के लिए आए हो, तो आपने आप कहते हाँ ठीक है जल्दी करो, ले गए जिब्रील आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया, तो आपने कहा इंशाअल्लाह और ये कहकर उठ गए, हाँ नहीं की, हालांकि हाँ ही करनी, क्या ख्याल, ये हमारी जो आज की बच्ची हैं ये बेचारी कुर्बानी का बकरा बानी के ज़बह हो के चली जाती हैं ना चाहने के बावजूद, तो फातिमा जैसी बेटी और मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा बाप हो तो आप क्या समझती हैं कि फातिमा ने कहना था नहीं, आप घर गए, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है हाँ कर दो, ये माँ बाप के लिए सबक, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है हाँ कर दो। जब उन्होंने सर हिलाया फिर वापस गए और अली से कहा चलो जमा करो लोगों को, फिर मौला अली ने लोगों को जमा किया, सहाबा को आप मेंबर पे खड़े हुए यहाँ आगे बैठाया, कहा लोगों मेरे पास जिब्रील अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ करूँ। तो ये एक ज़िंदगी है बेटो बेटियों, पढ़ो सीखो, ज़िंदगी सीखने की चीज़ है, बाकी हर मखलूक अपनी लाइफ अंदर से लेके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, बहुत ही अच्छा वीडियो था। हाँ इन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, मतलब शादी की जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप पे छोड़ दीजिए, माँ बाप के नहीं बेटियों पे छोड़ दीजिए, मतलब जिनको शादी करनी है उनको तो पूछिए ना शादी करनी है कि नहीं, रिश्ता आया हुआ अच्छा है कि नहीं आपके लिए, पहले तो उन्होंने यही कहा ना नहीं नहीं शादी है जो, माँ बाप को बेटियों बेटियों को भी पूछना चाहिए कि वो तो हर माँ बाप पूछते हैं ना, तो इन्होंने सिर्फ यही बताया कि कोर्ट मैरिज नहीं नहीं, वो बोल रहे थे तारिक जमील जी कि आप बचपन से लेके जवानी तक अपने सन मतलब जो आपके बेटे बेटी इनकी सब इच्छाएं पूरी करते, मतलब जो भी ख्वाहिश है वो उर्दू में ख्वाहिश बोलते हैं ना, और जब शादी मतलब जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है उसमें माँ बाप बोलते ले लो ये आपको इससे शादी करनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप आजकल तो शायद कम हो गया रहेगा, नहीं कोई भी नहीं करता ऐसे हर तो कुछ नहीं नहीं कोई भी नहीं नहीं ऐसा थोड़ी कुछ, हमको कुछ, क्या मालूम है, हाँ कुछ कुछ करते कुछ कुछ नहीं बहुत सारे लोग करते हैं अभी भी ऐसा कि अपना डिसीजन बेटियों पे थोप देते, बेटी ज़्यादातर बेटियों पे ही थोपा जाता है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि माँ बाप से पूछ कर भी शादी करनी चाहिए, कोर्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए, कोर्ट मैरिज मतलब क्या कुछ भी नहीं, शादी मतलब ऐसी सब लोगों में होनी चाहिए यार, शादी का मजा तो इसी में ही है। हाँ तो बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला इससे, मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा तो पापा मम्मी और इनको देखना चाहिए था, जो बड़े लोग हैं उनको सुन के और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। हाँ तो बहुत अच्छा वीडियो था, आप तब भी इसका इस वीडियो का फायदा समझिए और इन्होंने जो क्या कहा है वो समझने की कोशिश कीजिए, हम भी करते हैं और इसमें समझने की कोशिश क्या करने की, समझ में तो सब इजीली बताए ना सिंपल लैंग्वेज में। हाँ तो बहुत अच्छा वीडियो था, आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में, कैसा मतलब अच्छा ही लगा है तो आपको इतना अच्छे से बताया, अच्छा लगा कि नहीं? नहीं नहीं उनका वीडियो तो बहुत अच्छा था, हमारा वीडियो कैसा लगा बताइए, मैं भी यही बोल रही हूँ ना हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताइए, क्योंकि उनका तो अच्छा ही था, उनका बयान भी बहुत अच्छा था, हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।